वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट टॉपिक में हमने क्रिप्टोग्राफी पर डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन मैट्रिसेस में, उसमें आता है लियोन्टीफ इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, तो लियोन्टीफ इनपुट आउटपुट मॉडल क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं सर लियोन्टीफ कौन है। इन 1936 में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो है वेस्ली डब्ल्यू लियोन्टीफ, इन्होंने पब्लिश किया था मॉडल जो है इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक सिस्टम को बताता था। ठीक है, 1973 में इनको लियोन्टीफ को इनको इनकी काम की वजह से नोबेल प्राइज मिला इनको इकोनॉमिक में काम करने के लिए। ठीक है, ये मॉडल देने के लिए। तो ये मॉडल किस पे डिपेंड करता है? ये मॉडल आपका मैट्रिसेस पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं ये मॉडल कैसे बनता है, इसका क्या जो है प्रोसेस प्रोसीजर है और इसको कैसे हम समझ सकते हैं। कंसीडर करें आपके पास एक सिस्टम है जिसमें एन इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री नंबर वन, इंडस्ट्री नंबर टू, फॉर एग्जांपल आपके एरिया है, एरिया में आपके कंट्रीज में एन इंडस्ट्रीज है। ठीक है, और हर इंडस्ट्रीज को कुछ आउटपुट बनाने के लिए, यानी कोई चीज बनाने के लिए जिसको हम आउटपुट या फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं, उसको एन चीजों की जरूरत है। उसको दूसरी इंडस्ट्रीज के चीजों की जरूरत हो सकती है, जैसे रॉ मटेरियल है, यूटिलिटी, बहुत सारी चीजों की। किसी भी इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्री को आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट फिनिश करने के लिए बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ ईच आउटपुट, हर आउटपुट का वन यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री में यूज द आउटपुट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। हो सकता है एक इंडस्ट्री को अपना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी जो है इंडस्ट्रीज के आउटपुट की जरूरत पड़े। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक यूटिलिटी यूजेस आउटपुट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज सच एज कोल एंड वाटर आल्सो यूज इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो इंडस्ट्री है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो है अदर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कोल की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा उसको अपने आप की भी इंडस्ट्रीज की प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा कि गेम इसे आगे जा रही है। आगे देखें, लेट डी आई बेड, हम अब मॉडल पे आते हैं, मैथमेटिकल मॉडल पे। देखें डी आई जी, हम एक अमाउंट हम ऐसे शो करते हैं कि आउट जो इंडस्ट्री है उसको नीड है जेथ इंडस्ट्री की प्रोड्यूस करने के लिए वन यूनिट उस ईयर में। दिस मैट्रिक्स कोफिशिएंट इज इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स, इसको इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है जिसे मैं बता दूं, इसकी जो हर एंट्री है आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। मैंने लिखा जे आई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैसे लिख लू, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखू या D12 मैंने लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 0.4, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास ये जो इंडस्ट्री 2 है, ये 2 इंडस्ट्री जो है उसको 1 यूनिट, ये जो 1 यूनिट जिसका जो भी नंबर है क्या है 0.4, तो इंडस्ट्री 2 को 0.4 जो है मटेरियल की जरूरत है किस इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री नंबर 1 की। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम क्या लिखें, यहां D33 लिखें, फॉर एग्जाम्पल D33 इज इक्वल टू 0.2 है, तो उसका मतलब है इंडस्ट्री 3 को जो है 3 यूनिट्स, यानी 0.2 जो है चीजें जरूरत है, 0.2 जो है प्रोडक्ट जरूरत है किसकी, इंडस्ट्री 3 की। ठीक है, तो इसका यह मतलब है हर एंट्री का। ठीक है, जो ये चीज यहाँ हमने डिस्क्राइब की है, ठीक है, यहाँ हर एंट्री को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ दिखा है टू अंडरस्टैंड दिस हाउ टू यूज दिस मैट्रिक्स, कंसीडर D12 इज इक्वल टू 0.2, D12 फॉर एग्जांपल आपके पास 0.4 है, दिस मींस दैट फॉर इंडस्ट्री 2, अगर आपके पास जो इंडस्ट्री 2 है उसको प्रोड्यूस करना है 1 यूनिट इट्स 1 यूनिट टू इट्स प्रोडक्ट, इट मस्ट यूज 0.4 यूनिट फॉर इंडस्ट्रीज 1 टू प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इंडस्ट्री जो है आपके पास जो 2 इंडस्ट्री है उसको अगर 0.4 प्रोडक्ट यूज बनाना है तो वो इंडस्ट्री 1 का 0.4 प्रोडक्ट यूज करेगी। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इफ D33 इज 0.2, द इंडस्ट्री 3 नीड्स 0.2
टू यूनिट टू प्रोड्यूस इट्स प्रोड्यूस इट्स वन यूनिट. अगर Z33 लिखा हुआ है तो उसको Z33 इक्वल टू 0.2 है, तो इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री जो आपके पास थर्ड इंडस्ट्री है उसको 0.2 जो है मटेरियल अपनी ही इंडस्ट्री का यानी थ्री ही इंडस्ट्री का यूज करना पड़ेगा एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, आप सोच रहे हैं कि यहाँ 0.2 में वैल्यू क्यों है, क्योंकि इसका एक इस मॉडल की एक कंडीशन है कि हर एंट्री जो है वो यानी जो आपका जो भी कॉलम है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि सम ऑफ द कॉलम जो है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए और हर एंट्री जो है वो 0 से बड़ी या 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 और 1 से छोटी होगी. तो ये कंडीशन है लिनियर इनपुट आउटपुट मॉडल की. ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉन्सिडर सिंपल इकोनॉमिक सिस्टम. एक सिंपल इकोनॉमिक सिस्टम सोचे जिसमें थ्री इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रिसिटी वाटर ठीक है एंड कोल. टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर 0.5 यूनिट ऑफ इटसेल्फ यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसको 0.5 अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है, 0.25 वाटर यूज करना पड़ता है, 0.25 कोल यूज करना पड़ता है. टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ वाटर रिक्वायर, अगर हमें वन यूनिट वाटर चाहिए तो 0.1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है, 0.6 हमें जो है उसका इटसेल्फ यूज करना पड़ता है, 0 यूनिट उसका कोल यूज करना पड़ता है. सिमिलरली अगर हमें 1 यूनिट कोल चाहिए तो हम 0.2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, 0.1 यूनिट वो यूज कर रहा है आपका वाटर और 0.5 वो इटसेल्फ यानी अपनी आपकी चीज यूज कर रहा है. इसका इनपुट आउटपुट हमने मॉडल यहाँ बना दिया. देखिए इसका इनपुट आउटपुट ये मॉडल है. देखिए इनपुट में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है जीरो जो ऊपर चीजें हमने डिफाइन किया वही हमने लिख ली. इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी यानी एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इसको 0.5 अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ रही है और एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए 0.1 वाटर यूज करना पड़ रहा है, एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 0.2 इसको कोल यूज करना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये हमने मॉडल दिखा दिया है किसका, इनपुट आउटपुट मॉडल का. अब ये कैसे यूज होता है देखिए, यहाँ हमारे पास टू सिस्टम होते हैं, डेवलप मीन ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री डिनोटेड बाय एआरजे. इकोनॉमिक सिस्टम इज क्लोज दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम इज सेल्स प्रोड्यूस टू ओनली इंडस्ट्रीज विद इन अ सिस्टम एज एग्जांपल अबव. अगर जो भी इंडस्ट्रीज है वो सारे के सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके इंडस्ट्री ही को दे रही है. ठीक है, यानी आउटपुट किसी के पास नहीं जा रहा, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करके इंडस्ट्रीज को ही दे रहे हैं, तो उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन अगर इंडस्ट्री जो है अपने अलावा आउटपुट यानी इंडस्ट्रीज के अलावा और जगह पे भी दे रही है तो उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं और ओपन सिस्टम को हम इस तरीके से लिखते हैं जिसकी डिटेल हमने यहाँ लिख ली है. ठीक है, जिसे गवर्नमेंट को देते हैं, ऐसे कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, तो उसका मॉडल इस तरीके से होता है. इसको ऐसे लिखते हैं, अगर आप मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो ये मैट्रिक्स बराबर होगा x इज इक्वल टू डी एक्स प्लस ई. ठीक है, x क्या है इनपुट आउट, x क्या है आउटपुट मैट्रिक्स है, ई क्या है आपका इंटरनल डिमांड है मैट्रिक्स की जो हमें प्रोड्यूस करनी है. सॉल्विंग आउटपुट मॉडल हम इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंपोज ऑफ इनपुट आउटपुट रेशियो जिसे हमने ऊपर ये मॉडल बनाया है. फाइंड आउटपुट ऑफ एक्स व्हेन एक्सटर्नल डिमांड आर, एक्सटर्नल डिमांड जब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये जो एक्सटर्नल डिमांड है ये जो है हमें प्रोड्यूस करनी है तो हमें कितने यूनिट जो है हमें बनाने पड़ेंगे. ठीक है, यानी अगर ये हम अगर हम क्लोज सिस्टम में बनाएंगे तो उसको इतना ही मटेरियल बनाना पड़ेगा जितना वो इतना प्रोड्यूस करे कि अपनी इंडस्ट्रीज में पूरा आ जाए. लेकिन ये जो है आउटपुट यानी जितना इंडस्ट्रीज को जरूरत है उससे ज्यादा बनाया है जैसे हम गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें. ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिक्स है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, हमारे पास 1-D होगा, 1-D का ये मॉडल बनेगा. फिर हम इसका क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे. इनवर्स लेने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जो है फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी हमें इतने यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और ये जो है जो आपके पास कोल इतना प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, ये आपको इतनी जो है ज्यादा जो है आपको यूनिट प्रोड्यूस करने का पड़ेगा. टू प्रोड्यूस द गिवन एक्सटर्नल डिमांड आउटपुट ऑफ थ्री इंडस्ट्रीज मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली 60 इतने अमाउंट इंडस्ट्री ए के लिए, इतना अमाउंट इंडस्ट्री बी के लिए, इतना अमाउंट इंडस्ट्री सी के लिए. ठीक है, इस तरीके से हम यूनिट मॉडल इस्तेमाल करते हैं.